बीकानेर में सोमवार को कांग्रेस पार्षदों ने अपने वार्डों में विकास कार्यों को लेकर भेदभाव का आरोप लगाते हुए यूआईटी कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। इस दौरान कांग्रेस पार्षदों ने धरना देकर विरोध प्रदर्शन भी किया। करीब 4 घंटे तक चले इस प्रदर्शन में कांग्रेसी पार्षदों ने न्यास सचिव यशपाल आहूजा पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए उनके वार्डों में विकास नहीं करवाने की शिकायत की। हमारे प्योर बीजेपी अपने यूआईटी के वार्ड हैं, उनमें ये टेंडर नहीं लगा रहे हैं, एक सिंगल टेंडर भी नहीं लगा रहे हैं। बीजेपी वार्ड में ये टेंडर लगा रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं, और हम इतने ज्ञापन दे चुके हैं, हमारी चप्पलें घिस चुकी है घूम घूम के, मगर इस यूआईटी सेक्रेटरी के जू भी नहीं रेंग रही है। हमने एकदम परेशान होकर यूआईटी पे ताला लगाया है, और अगर अभी हमारा टेंडर नहीं लगे तो हम जन आंदोलन करेंगे। ये महिलाएं हमारे साथ हैं जो कीचड़ में रोड नहीं होने की वजह से घूम रही है, घर जाने के लिए तकलीफ हो रही है, फिर भी यूआईटी नहीं है। साथ ही पार्षदों के साथ है, आज हमने लॉक लगाया है राज के अंदर, कांग्रेस राज में हमारे को ये दिन देखने पड़ रहे हैं, तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं है।